तो स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को एक एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ग्लास कंटेनर मौजूद है जिसमें हमने टैप वाटर लिया। आप इसे सपोज कर लें ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, 10^-7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, जिसकी वजह से वाटर को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हमने इसमें क्या ऐड करना है, एसिड। एसिड ऐड करने से इसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इसे इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास बैटरी मौजूद है। बैटरी की दो वायर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। रेड कलर की वायर पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है, ब्लैक कलर की वायर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होती है। यहाँ हमारे पास जो है, हमने पेंसिल्स को यूज़ किया है एज दी इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि पेंसिल का जो सिक्का है उसमें ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यहाँ हमने जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है टर्मिनल, वो क्या है हमारे पास, एनोड। एनोड पर कौन से आयंस आते हैं, एनायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस। जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है वो हमारे पास है कैथोड। कैथोड पर कौन से आयंस आते हैं, कैटाइंस। कैटाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए कौन सी तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और कैटाइंस का कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैटाइंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे आते हैं और कौन सी गैस में तब्दील हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है कैथोड पर, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पर। तो ये हमारे पास प्योर वाटर है। प्योर वाटर में अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे और ये बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो आप देख रहे हैं कि कोई आपको गैस प्रोड्यूस होती हुई दिखाई नहीं दे रही, कोई भी आपको बबलिंग दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है वाटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, इतनी कम है कि दिखाई भी नहीं दे रहा आपको रिएक्शन। अब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड के ऐड करेंगे। जब एसिड को ऐड करेंगे तो एसिड को ऐड करने से इसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। और अब हमने जब इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया बैटरी से, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि इस पर एनायंस हाइड्रोक्सल आयंस आते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एनोड पर। और कैटाइंस जो हैं पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस, वो आते हैं कहाँ पर, कैथोड पर, नेगेटिव टर्मिनल पर। और यहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको बबलिंग दिखाई दे रही है क्लियरली कि बबल्स किस चीज़ के हैं, यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन गैस के बबल्स कम हैं, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है कि आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन गैस डबल प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में। हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन गैस का सिर्फ 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन गैस के बहुत कम बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस इससे डबल है अमाउंट में, ये आपको क्लियरली बबलिंग दिखाई दे रही है। तो ये वाटर जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया किस में, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली।